इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कृपा करी उमहि सुनावा। बाबा ने कृपा करके माँ को कथा सुनाई। आपने ये कथा सुनी होगी। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, देवी प्रथम अवतार आपका दक्ष प्रजापति के घर में हुआ। उन्होंने यज्ञ ठाना, आप गई, आपको उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो आपने योगाग्नि में बदन प्रवेश करा दिया और आपकी यह गति देखकर मेरा मन खिन्न हुआ, तो मैं हंस स्वरूप में जाकर काकभुसुंडी जी से कथा श्रवण किया। क्या मैंने जाकर श्रवण किया? कथा श्रवण कर लिया, फिर भगवान में मैं रम गया, फिर आपका जन्म हुआ, तब के आपने फिर हम लोग मिले। कथा कृपा से गाई जाती है और कथा कृपा से सुनी जाती है। बिना कृपा के कथा सुनने में नहीं आती। जब कृपा होगी तब कथा गाने को मिलेगी और कथा सुनने को मिलेगी। कोई कोई भक्त लोग कहते हैं, मेरे पर कब कृपा होगी? कथा सुनने को मिली अर्थात कृपा हो ही गई, बस। हाँ, हम लोग की निष्ठा की बड़ी परीक्षा होती है। अब तो लोग जान गए हैं कि वो आएंगे नहीं, फिर भी लोग कहते हैं चैत्र रामनवमी में आ जाइए। अरे देखिए, कृपा भगवान शिव ने सुंदर जी को दिया, याज्ञवल्क जी को दिया, भरद्वाज जी को मिला और फिर गुरुमुख से सुनकर गोस्वामी जी आगे बढ़ाते हैं कथा। समय बदल गया है परंतु हम लोग का समय ऐसा न हो। देखिए, दो काम जीवन में बहुत अच्छा करना चाहिए, संत भगवान, श्रेष्ठ भगवान, श्री मंदिर जाकर के अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए और भगवत चर्चा सुनना चाहिए। बुलाकर नहीं, जाकर। त्रेता की कथा है, त्रेता के पहले भूमि का स्मरण करते हैं। भरद्वाज जी महाराज माघ मास में संत मिलन के पश्चात याज्ञवल्क बाबा के चरण पकड़ के रोके और बोले, प्रभु मेरा कुछ प्रश्न है, आप मेरे स्वामी हैं, श्रेष्ठ हैं। श्री याज्ञवल्क जी महाराज बड़े अद्भुत मनुष्य हुए। महात्मा जनक राज महाराज के भी वो मार्गदर्शक भी थे, सदगुरु तुल्य थे। जब भगवत चर्चा का सुयोग बनता है, अद्भुत आनंद होता है। याज्ञवल्क बाबा से भरद्वाज जी महाराज ने पूछा, प्रभु ऋषि मुनि महात्मा वेद पुराण सब जिनका गान करते हैं, ये राम जी कौन है? मुझे समझा कर कहिए, बुझा कर कहिए। एक राम जी को मैं भी जानता हूँ,
अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लेहु अपारा भयव रो शरण रामन मारा। वही राम जी हैं या कोई अपर हैं? महिमा सुनकर और चरित्र देखकर मेरी बुद्धि में भ्रम होता, लेकिन तब वाला अब नहीं है। जैसे माँ कहती हैं, भरद्वाज जी का भी ये भ्रम नहीं है। भरद्वाज जी का प्रश्न ये है कि राम जी वही हैं अथवा कोई और हैं, ये भी प्रश्न नहीं है। ये तो कथा सुनने का बहाना है। कोई भी उद्यम हो, कथा श्रवण की जाए। लेकिन वही बात, कथा सुनी जाए। देखिए, हम भक्त हैं और हम भी भक्त हैं, इन दोनों वाक्यों में बड़ा अंतर है। जो भक्त है वो भक्त है, और हम भी भक्त हैं मतलब हम भक्त नहीं हैं, उनके कारण कह दे रहे हैं हम हूं भक्त हैं, समझ लो जो ऐसा ऐसा नहीं। ये बड़ी सहज अवस्था है, अतिशय सहज अवस्था है। भरद्वाज जी महाराज का प्रश्न है कि राम जी वही है कोई और है? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क बाबा ने कथा प्रारंभ की। श्री अयोध्या के महाराज साकेताधिपति, भगतों के भगवान, क्या कोई अलग अलग है? नहीं, एक है। एक राम अवधेश कुमार, भगवान तो एक है। टीवी सीरियल में आपने देखा होगा, चाहे जो राम जी बने, तो सीरियल वाले बोलते हैं विष्णु भगवान ने राम जी का स्वरूप धारण कर लिया था, अब इनको कौन पढ़ावे? कि विष्णु भगवान ने पांचों कल्पों की कथा में एक ही बार शरीर धारण किया है, शेष ब्रह्म राम है। जो विष्णु भगवान के भी भगवान हैं उनका नाम है राम। मनु जी महाराज के प्रसंग में कल हम लोग गाएंगे, विधि हरि हर तप देखी पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ये जो पूछ रहे हैं भरद्वाज जी, वो परब्रह्म राम जी के बारे में प्रश्न करते हैं। तो याज्ञवल्क बाबा ने कहा, आपको संक्षेप में सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी बोले, जैसे मेरा भ्रम मोह मिटे, कहिए विस्तार से कहिए, संक्षिप्त नहीं। कथा का कोई संक्षिप्तीकरण नहीं है। कोई कह रहा था मेरे से टेलीफोन पर प्रातःकाल कि महाराज कुछ ऐसा सुना दीजिए कि उसमें सब आ जाए। हमने कहा सीताराम, कही कौन कथा है? हमने कहा फोन रखिए, दोबारा करिएगा मत। अरे पूरी सृष्टि सीताराम जी में है, कह रही कौन कथा है? संक्षेप में पढ़ने वाला विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, केवल पास हो जाता धक्का मार के, और उसके भी अपने किसी काम की ऐसी पढ़ाई नहीं। जीवन में कोई काम संक्षिप्त न करिए, न करो ठीक है, संक्षेप में करने से अच्छा है न करो। अब किसी ने कहा महाराज हमको खोडसोपचार कराना है लेकिन संक्षेप में, अब जो खोडसोपचार है तो 16 सामान तो लगवे करी, अब ओकर का संक्षेप? ओकर तो ये है कि बस नहा के पी लो और दिखा के खा लो, हो गया संक्षेप। ऐसा कोई होता है क्या? नहीं, कुछ संक्षेप में सब विस्तार से। बाबा भरद्वाज जी बोले, कहो सो कथा नाथ विस्तार।
विस्तार से कथा करनी। अच्छा, प्रसन्न हो, हम लोग भी प्रतिवर्ष विस्तार से कथा करते हैं। विस्तार से ही तो कथा में आनंद है, इधर भी आनंद उधर भी आनंद है, समझ के। याज्ञवल्क जी महाराज ने श्री राम कथा की महिमा का स्मरण किया, ऋषिवर अब मैं समझा, जाने हो सुने राम गुण गो चाहो सुने राम गुण गो कीन हो मन तात सुन हो सादर मन लाई सादर मन लगाकर सुनिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, देखो जितनी देर सुनिए मनवा लगा के सुनी। इहे पवनी बाबा रौरी अरे भजनिया में हो, अरे भजनिया में मनवा लागल बाटे भजनिया में हो, भजनिया में मनवा लागल बाटे रौरी, भजनिया में मनवा लागल बाटे रौरी, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।